जो सुनेगा उसकी सुनी जाएगी, जो समझेगा उसे समझा जाएगा। सुनने और समझने से ही शक का अंत होगा, नई शुरुआत होगी। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवैहरं सर्वलोकेकनाथं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं गगनसदृशं मेघवर्णं मैं किचन में बिजी हूँ। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मम्मी, मेरा वाटर बॉटल कहाँ है मम्मी? अरे बैग में तो रखा है सचिन। ये क्या है सचिन? यहीं पे तो है। मम्मी, गायत्री, चल ले कहे थे? बच्चों को संभाल नहीं सकती क्या? सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली, शांति से कभी पूजा भी कर पाऊंगा मैं या नहीं? आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो यहाँ सचिन का बैग तैयार कर रही हूँ स्कूल का। वो प्रीति उठ के ये कारण मत सुना मुझे। बच्चे ठीक से संभाले नहीं जाते या मन उठ गया बच्चों से? तेरी इस लापरवाही की वजह से हर सुबह दिमाग खराब होता है मेरा, समझी? मामे। सचिन बेटा, तू गेट पे अपने आप चला जा, तेरे पापा के लिए नाश्ता बनाना है, वो लेट हो जाएंगे। और प्रीति भी तो रो रही है, उठ गई है ना? गेट पे सारे बच्चों की मम्मी आती हैं, पर प्रीति के स्कूल को तो अभी टाइम है ना। आप मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। प्रीति बेटा, दूध पियो, खेलो मत। मुझे पसंद नहीं। पर पीना तो पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो आप स्ट्रांग कैसे बनोगे? जी, आपका नाश्ता, चाय भी बन गई। तुम ही खा लो और चाय भी तुम ही पी लो। सुबह सुबह पूजा खराब कर दी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मम्मी, पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? मॉर्निंग शरद जी। गुड मॉर्निंग अरुण। सुनो, आपने अपनी कंपनी से जो कॉपर अलॉय वायर का कोटेशन दिया था जी, वो हमारे लिए ठीक है। 0.1 mm गेज के कॉपर अलॉय वायर्स तारापुर की फैक्ट्री के लिए सेपरेट और सेलवासा की फैक्ट्री के लिए सेपरेट ऑर्डर आपके मेल पे हमारे मैनेजर साहब भेज देंगे। जल्द से जल्द डिलीवरी कब तक हो सकती है? शरद जी, मैं जल्द से जल्द आपको प्रोडक्शन स्टेटस चेक करके बताता हूँ, लेकिन आप हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रहेंगे। आपकी कंपनी के जो भी एडवांस पॉलिसी है वो हमारे मैनेजर साहब को बता दीजिएगा, हम आपको जल्द ही पेमेंट कर देंगे। जी शरद जी। बाबा, ये सब आपकी कृपा है। नमस्कार कर दो बाबा। आपकी कृपा से चार ऑर्डर मिल गए बाबा। बाबा, ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए, एक दिन में चार ऑर्डर्स। आपकी बताई हुई साधना काम कर रही है बाबा। अरुण बेटा, साधना और श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। जा और तरक्की कर बेटा। जी बाबा।
कौन है अंदर? क्या कहाँ छुपा है वो? कौन कौन था तेरे साथ? जवाब दे। कोई भी नहीं था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हो क्या गया आपको? अरे मैं तो यहाँ पर कैत्री, सीधे सीधे बोल, कौन है जिसे तू छुपा रही है? कौन है तेरा यार? अरे आप ये क्या? यही था ना वो तेरे साथ? क्या बोल रहे हो आप? आपको जरूर कुछ हो गया। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ध्यान बढ़ा रही मेरा शानी, पता किसके साथ थी तू? अरे मैंने कहा ना आपको, मैं अकेली हूँ यहाँ, कोई भी नहीं। झूठ। क्या हो क्या गया आपको? क्यों अचानक से मुझ पर शक कर रहे हो आप? मैं बेल बजाता रहा, फोन करता रहा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, क्योंकि तू अपने यार को भगाने में मदद कर रही थी। क्या नाम है उसका गायत्री? कब से चल रहा है सब? मैं बाथरूम में थी, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बाहर आने में टाइम लगता है, मुझे सुनाई दे रहा था बेल और फोन दोनों। बाथरूम? तेरी चोरी पहले भी पकड़ी थी मैंने, पिछले हफ्ते की बात है, जब मैं घर आया तू घर पे नहीं थी। अरे उस दिन सचिन और प्रीति को मैं पार्क लेकर गई थी, भेल खाने का मन था उनका। तो अब बच्चों का बहाना देकर मिलती है उससे? बस करो प्लीज, पता नहीं आपके दिमाग में क्या गंद भर गया है। गंद भरा है मेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में गंद भरा है? तो वो धोबी मुझे घूर के क्यों देख रहा था? क्या इशारे कर रहा था वो? गायत्री आज बोली दो, क्या प्लानिंग चल रही है मेरे पीठ पीछे? क्या इरादे हैं तुम दोनों के? अब हम दोनों को एक साथ रहने के लिए उस अरुण को जान से मारना ही होगा। उस अरुण को जान से मारना ही होगा। उस अरुण को जान से मारना ही होगा। सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या बाबा? तूफान, तेरी घरेलू जिंदगी को तबाह करने के लिए तूफान मंडरा रहा है। वो आएगा लेकिन तू उस पर काबू पा लेगा। क्या मेरी पत्नी गायत्री का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? ये तो नहीं कह सकता। क्या मेरी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? तूफान के इरादे क्या हैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं
आपके तूफान का कोई भी इरादा कामयाब नहीं होने देंगे। सब कुछ हमारे हाथ में है। तूफान को चुपचाप कुचल देंगे। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवव्याहरं सर्वलोकेकनाथं। अरे चाय वाय मिलेगी क्या गायत्री? अरे चाय मिलेगी क्या? ये अब सिर्फ तेरे यार के लिए बनती है इस घर में चाय? गायत्री गायत्री सचिन फोन दो ना बाबा। स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? मतलब क्या टाइम हो रहा है अभी? 6:30 बज रहे हैं। लेकिन अभी 6:30 बज रहे तो मम्मी ने मुझे क्यों नहीं उठाया? तेरी मम्मी है कहाँ? सो रहे होंगे। अरे वो अपने रूम में नहीं है। साहब मैं तो 6:45 बजे पानी छोड़ने के काम में लगा था। मैंने तो मैडम को नहीं देखा। घर पर नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। साहब आप फोन करके देखिए ना। पापा लेकिन फोन तो आपके रूम में बज रहा है। मैं तंग आ गई हूँ। अब ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। मैंने इससे निपटने की कई कोशिशें की पर कोई रास्ता नहीं मिला। मेरी जिंदगी में कोई अफेयर वगैरह नहीं चल रहा है, फिर भी आप मुझ पर शक करना बंद नहीं करते। सचिन प्रीति और आप ही तो मेरी दुनिया थे, पर अब नहीं, मैं ये दुनिया छोड़ रही हूँ। पहले सोचकर बहुत डर लगता था पर अब और कोई चारा नजर नहीं आता है सुसाइड के अलावा। बाबा मम्मी कुटे आए? मम्मी बाबा क्या इस लेटर में मम्मी ने कुछ लिखा है बताओ ना। मम्मी वक्त पर मरहम ना हो तो छाले नासूर बन सकते हैं, फिर वो बदन पर हो, दिल पर हो या फिर किसी की सोच पर। क्या गायत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था? क्या उसने मौत को दवा बना लिया था? इस केस में ट्विस्ट यहीं से शुरू हुआ और ऐसे बढ़ता गया जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक के बाद एक चौंकाने वाले किस्से होते गए। कभी कभी दिमाग में बसा कोई डर, कोई वहम बहुत बड़ी कीमत वसूलता है। लेटर पढ़ने के बाद मेरी नजर कपाट पे पड़ी जो खुला था, फिर मैंने अंदर देखा तो लॉकर भी खुला था। क्या क्या गायब है? कैश, ज्वेलरी कुछ था लॉकर में? करीब 9 लाख का कैश था, सोने के बार्स करीब 6 लाख के, और कुछ ज्वेलरी थी। तुम कह रहे थे तुमने अपनी पत्नी गायत्री को घर में और बाहर हर जगह ढूंढा, लेकिन उस वक्त तुम्हारी नजर इस खुली हुई कबर्ड पे नहीं पड़ी, ये लेटर पढ़ने के बाद तुम्हारी नजर पड़ी। जी सर। सर डीआरपी को इन्फॉर्म कर दिया है, रेलवे लाइन के आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया है, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुसाइड रिपोर्ट नहीं हुआ। सर एक काम करो, इस सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये देखना जरूरी है कि मिसेस लोनकर कितने बजे घर से निकली थी। दादी मम्मी कहाँ गई है? कब वापस आएगी? अरुण जी हमें गायत्री की हैंडराइटिंग सैंपल्स चाहिए। क्यों? उसके अलावा कौन लिख सकता है लेटर?
हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमें चेक करना होता है। आप प्लीज सैंपल ले आइए। पता नहीं गायत्री ने कहां जाकर अपनी जान। देखिए अरुण जी, इस वक्त हमारे लिए गायत्री घर से गायब है और आपके लॉकर से कुछ कैश और गहने गायब हैं। अभी हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं। क्या वो वाकई में किसी के साथ भाग गई है? तुम्हें लगता है वो किसी के साथ भागी है? तो ये चिट्ठी फर्जी है। ट्रांसफर चल रहा है सर, 10 मिनट में इस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज आपके पास होगा। तुमने देखा नहीं गायत्री को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए? साहब मैंने अरुण साहब को बोला था, मैं 5 बजे से 5:45 तक मैं टेरेस पे पानी छोड़ने गया था। गायत्री की हैंडराइटिंग बस इस नोटबुक में ही है। ठीक है, हमारे लिए काफी। अरुण, हमारा काम शुरू हो गया। जैसे ही गायत्री की कोई खबर मिलती है हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। अरुण, काय झालं रे? हाँ साने, मुझे ये अरुण लोनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वाइफ के अफेयर का एंगल उठा रहा है। क्या बोलते हो, सर्च वारंट इशू करें? कहीं ये सुसाइड नोट एक नाटक तो नहीं है? आप जरा एक बार ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। मैंने देख लिया है। इसके हिसाब से गायत्री लोनकर सुबह 5:05 पर बिल्डिंग से बाहर जाते हुए दिखती है। इतने सारे जेवर और पैसे लेकर गई वो? हाँ, केशव तो लमायता है। मेरी पूजा सुबह 5:45 शुरू होती है नाव आके, तब तक वो सोई हुई थी। पता नहीं कब उठी, कब वो लॉकर खोला, कब वो चिट्ठी लिखी। गायत्री ऐसा क्यों करेगी? अरे ना ही मायत केशव, मुझे शक था कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कहीं बोल तो उसका अरुण, गायत्री का चक्कर? मुझे नहीं पता, मैं बस वही बोल रहा हूं जो मुझे लग रहा था। मुझे शक था। अरुण कह रहा था उसकी पूजा 4:45 शुरू हुई और तब गायत्री सोई हुई थी। इसका मतलब है 20 मिनट में वो उठी, चिट्ठी लिखी और 5:05 को निकल गई। या फिर हो सकता है कि ये चिट्ठी रात को ही लिखकर रेडी रखी हो गायत्री लोनकर। सर अरुण को शक है उसकी बीवी गायत्री का कहीं पे अफेयर था। 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने भी मिसिंग है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी उसके पास कोई बैग वगैरह तो है नहीं। इतना सारा कैश, ज्वेलरी, सोने के बार्स कहाँ है? सारे में छुपाए हो सकते हैं सर। गायत्री उस सुबह घर छोड़कर चली तो गई थी, पर वो कहां चली गई थी और क्यों? हाँ मैडम, कोई एक्सीडेंट का केस आया है क्या? हमने उस औरत के फोटोग्राफ सारी जगह फ्लैश किए। यही कोई 29-30 साल की है। मैं फोटोग्राफ फैक्स कर रहा हूँ, जरा एक्सीडेंट वार्ड में जाकर देख कर बताइए। क्या सुबह आया होगा, अर्ली मॉर्निंग। उम्र लगभग 30 की है, साड़ी पहनी हुई थी। मैं उसका फोटोग्राफ आपको भेज रहा हूँ। 30 साल की महिला है, नीले रंग की साड़ी पहनी है, फोटो भेज रहे हैं। आपका एक्सीडेंट वार्ड चेक कीजिए, 30 साल की शादीशुदा औरत है, नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। अरुण, शहर के सारे हॉस्पिटल्स, मॉग्स और क्लिनिक्स हर जगह चेक किया हमने, लेकिन तुम्हारी पत्नी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और हाँ, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी पत्नी गायत्री की ही है, हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाया है। तो कहाँ चली गई वो? इस वक्त तो इस बारे में हम लोग भी उतने ही अनजान हैं जितने कि तुम। कल एक बार कॉल डिटेल्स आ जाएँ तो फिर शायद कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? वही जो तुम गायत्री के अफेयर के बारे में कह रहे थे,
उसमें कितना शक है और कितना सच। बिल्डिंग में कोई भी पूजा हो, गणपति, दुर्गा पूजा, जो भी, अरुण हमेशा आगे आता था। आपके बिल्डिंग के एक रहवासी सुसाइड नोट लिखकर गायब है, जिसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का साफ साफ जिक्र है। मेरी वाइफ की गायत्री के साथ हाय हल्लो होती थी, पर उसने कभी ये बात नहीं बताई। पर हाँ, वो हमेशा टेंशन में रहती थी, ये बात तो सच है। सर, गायत्री लोनकर के कॉल रिकॉर्ड्स किसी अफेयर की तरफ इशारा नहीं कर रहे। और गायत्री अपना फोन घर पर छोड़कर गई, शायद उसके पास कोई दूसरा फोन। अरुण लोनकर ने ऐसा कुछ बताया नहीं। साने, अब अरुण लोनकर के बताने के परे हमें जाना होगा। काफी अटपटा केस है सर ये। सुसाइड करने निकली हुई औरत अपने घर से 9 लाख कैश और 6 लाख की ज्वेलरी क्यों चुराएगी? ये हैंडराइटिंग तो गायत्री की ही है, तो ये गेम खेल कौन रहा है? खुद गायत्री? अरुण का कजन केशव से मिलने आया था, शायद वो कुछ जानता हो। ओके सर, थैंक यू। बस सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन बाकी है, बाकी सगड़े सेट आए। एकदम सही डील हुई है, अब देखना अपनी फर्म का और अच्छा वक्त स्टार्ट होगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर साने बोल रहा हूँ। हाँ बोला साहब। बात करनी है तुमसे। किस बारे में? गायत्री के बारे में। गायत्री के बारे में मुझसे बात करनी है? आप हमारे थाने में, जल्दी आ जाओ। हो साहब, ये तो नहीं। क्या वो? यार मेरा वो कजिन है ना अरुण, उसकी वाइफ गायत्री। क्या बॉडी मिली क्या? मिल नहीं, लाओ नहीं तो। अरुण बेटा, इस तूफान के बादल तो पहले से छा गए थे, मंडरा रहे थे। वो गायत्री, उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी है या उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली? अभी कोई सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बात है जो मुझे साफ दिखाई दे रही। पता नहीं कैसे इतने दिनों में पहली बार इतना सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा। क्या बाबा? तेरी गायत्री मरी नहीं, जिंदा है। तो किसी के साथ है ना? तो उसे ढूंढ लेगा। ओ बाबा, मुझे उसे ढूंढना है, लेकिन आप ये बताइए वो किसी के साथ है ना? वो बात अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन इतना लिख लो, गायत्री जिंदा है। को एक बेटा है 8 साल का, सचिन। बेटी है 6 साल की, प्रीति। जैसे सबकी फैमिली होती है वैसे नॉर्मल फैमिली है सर। इस नॉर्मल फैमिली की गृहिणी, 2 बच्चों की माँ, एक सुबह सुसाइड नोट छोड़कर चली जाती है, साथ में 9 लाख कैश और 6 लाख के गहने गायब हो जाते हैं। किशोर एक बात बताओ, इस घर में एबनॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो गाइस नहीं साहब, देखिए मैं और अरुण काफी क्लोज है एक दूसरे से। उसके कोई सगे भाई बहन नहीं है, मेरे भी नहीं है। उसके बाबा और मेरे बाबा दोनों भाई, और बचपन से जानता हूँ मैं उसे। वो बचपन से ही एकदम पूजा पाठी रहा है साहब। उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसके बीवी गायत्री का कहीं पे अफेयर चल रहा था? फ्रेंकली बोलूँ तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो बचपन से ही पूजा पाठी रहा है, लेकिन कभी कभी एकदम विचित्र सा बर्ताव करता है। मैंने तो उसे सामने से पूछा सर कि तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों शक हो रहा है अपनी वाइफ पर? तो बोला पता नहीं,
बस मुझे लग रहा है। क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि गायत्री का कहीं पे अफेयर हो सकता था? क्या गायत्री सारा पैसा लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग सकती है? नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि गायत्री का कोई अफेयर बफेयर हो सकता है और इस तरह वो भाग सकती है, वो भी अपने दो बच्चों को छोड़कर। उन दोनों में झगड़े होते थे? झगड़े मतलब अरुण कभी कभी एकदम एकदम एग्रेसिव हो जाता था, शांत। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ ऊंच नीच हुई होगी दोनों के बीच में, हो सकता है सर। तो तुम्हें लगता है गायत्री पैसों के साथ भागी नहीं है, तो गई कहाँ? माहित नहीं गायत्री ऐसा क्यों करेगी। अरुण जैसा तू ठीक समझे, पर खरा संगो मुझे लगता है तू सही सोच रहा है। सचिन और कृति पर बहुत बुरा असर हुआ है। इस उम्र में बच्चों के लिए माँ ही सब कुछ होती है। तुम दोनों को वहाँ अच्छा लगेगा। मलाय पाई जाती, मलाय पाई जाए। हाँ जी, मम्मी हमें ऐसे अचानक छोड़ के क्यों चली गई? कुछ बताओ ना, क्योंकि बाबा कुछ भी नहीं बताते। गायत्री पर शक कर शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की बाबा। आज एक महीना हो गया, अभी तक कोई पता नहीं उसका। बाबा मैं सचिन और प्रीति को आपके साथ डांडू जाने के लिए मना लूंगा। वही सही रहेगा। मैं क्या क्या करूं बाबा? गायत्री को ढूंढूं, बच्चों को संभालूं या अपना काम संभालूं? तू बच्चों की चिंता छोड़, हम है ना, तू वही कर जो सही है। सही तो तभी होगा बाबा जब मेरी गलती सुधर जाए। प्रीति, सचिन, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। I'm sorry बेटा। I'm sorry। घूरता क्यों है बे? मैं समझा नहीं साहब। तू कुछ जानता है ना? किस बारे में साहब? मेरी पत्नी गायत्री के बारे में। नहीं साहब। तो घूरता क्यों है फिर? साहब मैं तो स्त्री वाला हूँ, सबके कपड़े लेके जाता हूँ, वापस लौट आता हूँ। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा साहब। अरे अरुण आओ, अंदर आओ। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, देखनी है। लेकिन वो तो हमने पुलिस को दे दी। कॉपी दी है ना मुझे उस दिन की, उससे पहले की पूरे एक महीने की, नहीं दो महीने की, नहीं पूरे छह महीने की फुटेज चाहिए। लेकिन हम तो सिर्फ दो महीने पहले तक की फुटेज रखते हैं। ठीक है वही दीजिए। जिससे पहले की भी फुटेज चाहिए। बताया तो तुम्हें अरुण, दो महीने से ज्यादा की फुटेज रखते नहीं हम। पर इसी मुझे जानना है कि मेरे फ्लैट में कौन कौन किस किस वक्त आता था और जाता था। वो तो तुम सिक्योरिटी रजिस्टर से भी पता कर सकते हो, उसमें हर आने जाने वाले की एंट्री होती है। सर एक महीना और बीत गया। अरुण मैं तुम्हारी बेचैनी समझ रहा हूँ। देखो हमने अपनी तरफ से फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स शहर भर में सर्कुलेट की है। सुराग के नाम पर हमारे पास सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें गायत्री बिल्डिंग से बाहर निकलती हुई दिख रही है, लेकिन बाहर निकलने के बाद आसपास के किसी भी सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई नहीं दे रही। ऐसा हो कैसे सकता है सर? वही तो अरुण, या तो उसने जानबूझकर ऐसा रास्ता चुना कि वो आसपास के दुकानों में या किसी दूसरी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई ना दे, या फिर ये एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक। मैं मिस करता हूँ उसे सर, मैंने गायत्री के साथ गलत व्यवहार किया।
बहुत दुख दिया है उसे, जलील किया, पर मैं उससे माफी मांगूंगा। मुझे वो वापस चाहिए। मेरे बच्चे उसके बिना नहीं रह सकते सर, और वैसे भी वो यहाँ है नहीं। डानू में अपने आजी अजूबा के घर रोज रोते हैं। जब भी मिलता हूं उनसे आंख नहीं मिला पाता। एक स्मॉल बनूंगा मैं कोरे, मूड नहीं आए। केशव, गायत्री जिंदा है या मर गई है? वो मैं कैसे बता सकता हूँ ना अरुण, वैसे चिट्ठी में तो साफ साफ लिखा है कि सुसाइड के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। पर बगना वो बॉडी भी तो नहीं मिली अभी तक, तो सब लोग सस्पेंस में। पर मला ये नहीं पटत रे अरुण कि गायत्री अगर जान देने गई तो 9 लाख कैश और जेवर लेकर क्यों गए? आहो, झाली का ड्रिंक, खाना लगा दूं? अभी तो शुरुआत की है नीलिमा, आधा एक घंटा प्लीज। मेरी नजर वॉच पे, आधा घंटा मतलब आधा घंटा होगा भाई। ये चिंटू सो गया क्या? सो गया मतलब 10:30 बजे। गायत्री अगर जान देने गई तो 9 लाख कैश और जेवर लेकर क्यों गई? पापा क्या इस लेटर में? मम्मी ने कुछ लिखा है? सुनो ना पापा। कहीं नहीं बाड़ा, जा तू रूम में जा। ये क्या विचित्र खेल खेला जा रहा था? आखिरकार गायत्री के साथ हुआ क्या था? ये तो पक्का था कि वो उस सुबह घर से निकली थी। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो गई तो गई कहां? फुटेज में उसके हाथ खाली दिखाई दे रहे थे, तो क्या ये जाहिर था कि जेवर और 9 लाख का कैश वो अपने साथ नहीं ले गई थी? अब बहुत जल्द आएगा इस केस का अगला ट्विस्ट। हाय। हाय अरुण, फैक्ट्री जा रहे हो? हाँ बस रेडी हो रहा हूँ, कुछ खाऊंगा फिर निकलूंगा। तो फैमिली कैसी है? ये बताओ कि हम कब मिल रहे हैं? जब टाइम मिलेगा मिलेंगे ना पक्का। बस एक बात पूछनी थी तुमसे, तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताया है? मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? नहीं बस ऐसे ही, वो तुमने कभी अपनी फैमिली की फोटो शेयर नहीं की ना मेरे साथ, तो इसीलिए। अरे तुम मिलो तो सही, फिर जो पूछना है पूछो, चाहो तो अपनी फैमिली से भी मिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी फोन करती हूँ तुम्हें, बाय। अरुण, हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए जग में एक सही समय बना है जो लिखित है। तो आप मुझे मेरा सही समय बता दीजिए बाबा, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है।
हाँ बोल सूरज। मैं ऑफिस से निकल ही रहा था तो एक बात याद आई। क्या? ये चेतना एंड सन्स एंटरप्राइजेस, इनका जो बैलेंस पेमेंट है वो आया क्या? उनका कोई आदमी कैश छोड़ के गया क्या तुम्हारे पास? नहीं तो, कोई आया नहीं पैसा लेकर। जब मैंने उनको फोन किया लास्ट वीक तो बोले कि कैश फ्लो का इश्यू है तो अगले हफ्ते दे देंगे, ऐसा बोल रहे थे। एक्चुअली मैं उनको कॉल करने ही वाला था, सोचा तुमसे पूछ लूं एक बार। चलो रखता हूँ, गुड नाइट। हाँ श्याम जी, हाँ हाँ हाँ, पार्टी को ड्रॉप कर आया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हाईवे टच हो रही है, गाड़ी में मिली लाश तक तुरंत पहुंचेगी। सर, कार में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मोबाइल वॉलेट कुछ भी नहीं मिला सर, पॉकेट्स में भी कुछ नहीं है। गाड़ी की नंबर प्लेट फर्जी हो सकती है। संजना, आरटीओ से कंफर्म करो नंबर। सर। गला चीर दिया गया सर और चेहरे पर वार किए गए कई सारे। वार जरूर किए पर घाव गहरे नहीं है, इसका मतलब ये दर्द देने के लिए कहे, तकलीफ, टॉर्चर। ठीक है, आप नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। गाड़ी किसी केशव लोनकर के नाम पर है, विरार का रहने वाला है। अब सवाल ये है, क्या ये बॉडी केशव लोनकर की है या केशव लोनकर के गाड़ी का इस्तेमाल किया गया इस मर्डर के लिए? केशव लोनकर यही रहते हैं क्या? हो, पर वो इस वक्त घर पर नहीं है। अपन कौन? क्राइम ब्रांच। काय झालं? विरार ईस्ट में हाईवे पर हमें उनकी गाड़ी मिली है और गाड़ी में उनकी डेड बॉडी। क्या? कैसे? ठीक है, मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंचता हूं। कहां छुपा है वो? कौन? कौन था तेरे साथ? जवाब दे। आओ ना।
एक 30 वर्षीय हाउसवाइफ गायत्री लोणकर एक सुसाइड नोट पीछे छोड़कर घर से निकली थी, पर महीनों तक उसकी लाश नहीं मिली। दूसरी तरफ गायत्री के पति अरुण लोणकर के चचेरे भाई केशव लोणकर का भी भयंकर तरीके से कत्ल कर दिया गया था। क्या कनेक्शन था इन दोनों वारदातों का? ये केस इन दोनों के कनेक्शन को जोड़ने वाला तो था, लेकिन सवाल यह था कि क्या यह कनेक्शन वही था जो नजर आ रहा था, या फिर कुछ और बिल्कुल अलग। अजीबोगरीब चीजें बड़े ही अजीबोगरीब तरीकों से होती हैं। इस केस में हालात ऐसे हादसों से बदले जो पूरी तरह से अनपेक्षित थे और विश्वास के परे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक जिग्सॉ पजल, एक आरा पहेली बहुत ही विचित्र तरीके से सुलझने वाली थी। इस केस में वो कौन से छाले थे जो नासूर बने, या फिर कोई छाले थे भी या नहीं, ये हम पता करेंगे कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।